नमस्कार, मैं हूं बिना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बेलथा रोड के छात्र का सैनिक स्कूल में चयन, पिता की मेहनत हफीज की लगन लाई रंग, हफीज का लक्ष्य एनडीए में जाकर देश की सेवा करना। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। छवी क्लास के छात्र अब्दुल हफीज का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया है। अब हफीज का लक्ष्य एनडीए में जाकर देश की सेवा करना है। पिता की मेहनत से हफीज ने पूरे देश में 1733वीं रैंक हासिल की है। करीब 1,57,000 छात्रों ने एग्जाम दिया था। बता दें कि हफीज के पिता कोरोना महामारी आने से पहले सऊदी अरब में नौकरी करते थे और कोरोना की वजह से दोबारा नहीं जा पाए। फिर उन्होंने घर पर ही हफीज के एग्जाम की तैयारी कराई। हफीज ने भी मन लगाकर पढ़ाई की। पिता की मेहनत और हफीज की लगन का नतीजा है कि उसका सैनिक स्कूल में चयन हुआ। जब यह खबर बेलथा रोड के गौरव शहर कवि अरशद हिंदुस्तानी को मिली तो उस बालक का हौसला अफजाई करने पड़री गांव पहुंच गए। वहां हफीज को सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि अरशद हिंदुस्तानी राधे श्याम यादव के साथ मिलकर शिक्षा एक समान का आंदोलन चला रहे हैं। अब्दुल हफीज ने बताया, बंसी बाजार स्थित ज्ञान कुंज अकेडमी में 6वीं क्लास के छात्र हैं। मेरा नाम अब्दुल हफीज सिद्दीकी है। मैं बेलथा रोड पढ़ी ग्राम सभा में रहने वाला हूँ। मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। मैंने सैनिक स्कूल पुरुलिया वेस्ट बंगाल और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोनों क्वालिफाई किया है। मैं ज्ञान कुंज से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने कक्षा 6 ज्ञान कुंज से पास की है। मैं सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी का सपना है कि मैं आगे जाकर एनडीए क्वालिफाई करूँ। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से शहजाद हुसैन की रिपोर्ट।